1964 से चलते आया प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश भारत सरकार अब कर रहे हैं। पहले कोई सरकार इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सोचा ही नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। अब चकमा हाजोंग उस समय तो रेफ्यूजी था और रेफ्यूजी के हिसाब से अरुणाचल में ला के बसाया और दूसरे जगह में भी बसाया, लेकिन अरुणाचल में काफ़ी आए। अब इतने लोगों को उस समय 2-4 हज़ार जितने भी आए थे वो इतना संख्या हो गया, तो इंसान को कहीं भी रीएलोकेट करना ये कोई आसान नहीं है। कोई कि इंसान तो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। ये जानवर को भी एलोकेट करने के लिए तैयारी करना पड़ता है। अगर कोई सामान होता, कोई पत्थर होता तो उठा के एक जगह से दूसरा जगह फेंक देगा। इंसान है, लाइफ है, इसको बहुत सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा। और जब CAA पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, तो उसमें प्रावधान क्लियर रखा गया कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है। यहाँ जो बाहर से आया वाला शरणार्थी को, रिफ्यूजी को यहाँ सिटीजनशिप नहीं देंगे, ये एक प्रावधान है। उसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि इमिकेबली उनका रीसेटलमेंट हो। देखिए चकमा हाजोंग में भी ये तो नहीं चाहेगा ना कि वो लाइफ टाइम अरुणाचल में रहें और वो टेंशन बढ़ाते रहें। अगर वो अरुणाचल में कंटिन्यूस रहेंगे तो ये टेंशन भी बरकरार रहेगा। हम ये चाहते हैं कि इसका एक सोल्यूशन हो, और सोल्यूशन तभी होगा जब हम इसको प्लान तरीके से करेंगे। इसलिए कहीं भी सुइटेबल जगह, अब हम घोषणा करेंगे तो वो हंगामा हो जाएगा, ये कोई घोषणा करने का चीज़ नहीं है। ये प्लान करके वर्कआउट करने का एक सिस्टम है। हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी इसको बहुत करीबी से और मैच्योर्ड वे से इसको आगे से वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से एलोकेशन, रीएलोकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशंस, ये सारा एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें चकमा हाजोंग सब साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग ऐसा है कि नहीं नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रपोज कर रहे हैं नहीं मानेंगे, ऐसे बोल करके माहौल को ख़राब करने वाले वहाँ कुछ लोग होता है, कुछ संगठन होता है, वो माहौल को बिगाड़ता है। हम चाहते हैं कि पीसफुल माहौल में रीएलोकेशन जो भी हो, लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक दिन दो दिन में सामान जैसे उठा के फेंकने का चीज़ नहीं है।